सबसे कम प्राइस में कितने तक का है? सबसे कम का 18,000 का। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's your boy Mukesh और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो guys, अभी मैं आया हुआ हूँ बूटी मोड़ पे। जस्ट बस स्टैंड के थोड़ा सा आगे आ जाओगे तो आपको विलेट डीलर मिलेगा। काफ़ी लोग डिमांड बोल रहे थे कि यार मुझे सेकेंड हैंड स्कूटी चाहिए था, स्कूटी के ऊपर वीडियो बनाओ। तो guys, फाइनली वीडियो आ चुका है स्कूटी के ऊपर और अभी फिलहाल मैं हूँ विलेट डीलर पे। ऊपर देख सकते हो, बाकी पीछे भी देख सकते हो और स्कूटी एक बार देख सकते हो अभी अच्छे अच्छे कंडीशन में है। इधर सारे कुछ है फिलहाल, अभी यहाँ पे इतना ही स्टॉक पर दिख रहा होगा आपको। बट एक बार आपको जो भी स्कूटी चाहिए एक बार आप कमेंट कर देना और या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर लेना, बाकी सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ हमारे अंदाज में। फिलहाल अभी इस शोरूम के ओनर से बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा बाइक है, कितने तक का है, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, प्राइस कितना है, कितना किलोमीटर चला हुआ है, सारा कुछ ओनर से बात करते हैं। तो भैया आपका नाम बता दीजिएगा पहले। अब्दुल रहीम। तो भैया का नाम अब्दुल रहीम है। आप आओगे, कॉन्टेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में एक बार कॉल कर लेना, इन्हीं का नंबर है। और बाकी सारा स्कूटी के ऊपर बता दीजिएगा, मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है। यहाँ पे सिर्फ इसको स्कूटी मिलेगा आपको। मेरा 3 ब्रांच है, एक कोकर में है वहाँ स्पोर्ट बाइक मिलेगा, एक बरियातू में वहाँ हल्का बाइक मिलेगा, यहाँ आपको सिर्फ स्कूटी मिलेगा। और ये बूटी मोड़ गुमला मार्केट। तो बूटी मोड़ गुमला मार्केट में ये शोरूम पड़ता है विलेट डीलर। इसका 3 ब्रांच है, जैसे कि मैंने पहला वीडियो बनाया था कोकर चौक वाला, और ये दूसरा वीडियो है विलेट डीलर का गुमला मार्केट बूटी मोड़ पे, और एक तीसरा शोरूम है जो कि बरियातू में। ठीक है, तो वहाँ पे भी फिर कभी जाएंगे, वहाँ का भी वीडियो आपको दिख जाएगा। तो भैया बताइएगा कि कौन स्कूटी है अभी और सबसे कम प्राइस में कितने तक का है? सबसे कम का 18,000 का प्लेजर आएगा, 2013 मॉडल। कितना किलोमीटर चला हुआ है? 26,000 किलोमीटर। और मैक्सिमम में कितना? लास्ट 82 तक जाएगा, नया गाड़ी है, 6 महीने का अप्रैला। तो मिनिमम जो है आपका 18,000 प्लेजर में आएगा और मैक्सिमम जो है वो 82,000 तक जाएगा। अप्रैला बाइक है, स्कूटी है। तो चलो एक एक करके सारा स्कूटी का डिटेल्स देखते हैं और फिर मिलते हैं। भैया इस बाइक के ऊपर बताइए। ये वेस्पा है, इसका आपको 72 पड़ेगा, 2020 मॉडल है, चला हुआ मात्र 2300 किलोमीटर चला हुआ है जी, ये नया गाड़ी है। तो ये बाइक स्कूटी जो है ये 2300 किलोमीटर चला हुआ है। कौन सा मॉडल है भैया? 2020 मॉडल है। BS कौन सा है? BS4 है, 2020 का मॉडल है। कितना किलोमीटर चला हुआ है बोले? 2300 किलोमीटर चला हुआ है। और प्राइस का बात बताए तो 72 पड़ेगा, प्राइस आपका 72,000 पड़ जाएगा इसका। तो देख सकते हो एक ये स्कूटी और नया में जो इसका प्राइस है वो आपको 1.5 लाख तक का मिल जाएगा। बाकी टायर वायर सारा कुछ देख लीजिए, एकदम बढ़िया कंडीशन में गाड़ी, आपको ज़्यादा चला नहीं है, एकदम मस्त कंडीशन में। ये भी BS4 है, टॉप मॉडल है, ये डिस्क ब्रेक वाला है, इसका आपको 75 पड़ेगा, ये चला हुआ है 5,000 किलोमीटर। तो जैसे कि भैया ने बताया कि ये जो स्कूटी देख रहे हो अब ये चला हुआ है 5,000 किलोमीटर और इसका प्राइस बताए तो 75. इसका प्राइस जो है वो 75 है, टॉप मॉडल है। डिस्क में देख सकते हो सारा कुछ, टायर वायर सारा सही लग रहा है, बाकी गाड़ी का कंडीशन भी जो है वो एकदम टॉप मॉडल में। तो आप अगर एक बार, भैया ये फर्स्ट ओनर है कि सेकंड ओनर है? यहाँ पे जितना स्कूटी है सारा कुछ आपको फर्स्ट ओनर में मिल जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं। और बाकी फाइनेंस का कोई सुविधा? तो फाइनेंस का कोई सुविधा नहीं है। आप लोग अगर आओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको कैश पे करना होगा, वन टाइम है वो, है ना। बाकी फोन पे गूगल पे वो सब सारा ठीक है, तो आप फोन पे करो या गूगल पे करो, बस बट आपको वन टाइम पेमेंट करना होगा। ठीक है, 2020 का लास्ट मॉडल होगा, हमको लगता है 6 महीने का चला हुआ है गाड़ी, 2021 का होगा। कितना किलोमीटर चला ये बाइक? 8,000 मात्र चला हुआ है। 8,000 जी। और इसका प्राइस का बताए तो 82 पड़ेगा, 82,000। तो जैसे कि आपने देखा ये स्कूटी जो है अप्रैला, ये एकदम टायर वायर देख सकते हो एकदम न्यू लग रहा है, डिस्क है,
और इसका प्राइस कितना बताया भैया? इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 82,000। कितना किलोमीटर तक चला हुआ है? 8,000 किलोमीटर चला हुआ है। तो एक बार अच्छा कंडीशन में आपको दिख रहा है, आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार जरूर ट्राई करना लेने का, यहाँ आ सकते हो और देख सकते हो। बाकी डाउन पेमेंट का कोई नहीं है, थोड़ा सा भी कोई कम नहीं होगा? कम हो जाएगा, 1-2 हज़ार कम हो जाएगा। तो 1-2 हज़ार कम हो जाएगा, जितने भी स्कूटी देख रहे हो इसमें से सब में 1-2 हज़ार रुपये आपको कम पड़ जाएगा। तो ठीक है, देख लेना एक बार। एक्टिवा 125 सीसी है, 2019 मॉडल, इसका 54 पड़ेगा, 54,000। तो इसका 54,000 पड़ जाएगा। कितना किलोमीटर चला हुआ है? चला हुआ 23,000 किलोमीटर है। 23,000 किलोमीटर चला हुआ है। और बाकी इसका कौन सा मॉडल है? ये 2019 मॉडल है। 2019 मॉडल, BS फुल कंडीशन है, BS4 है। ठीक है। तो भैया ये जो होंडा का एक्टिवा है, ये भी एक्टिवा है ना, इसके बारे बताइएगा कुछ। ये एक्टिवा 3J 2016 मॉडल है। और कितना किलोमीटर चला हुआ है? चला हुआ है 30,000 किलोमीटर। तो 30,000 किलोमीटर ये एक्टिवा आपको दिख रहा होगा, ये एक्टिवा 30,000 किलोमीटर चला हुआ है, बाकी कंडीशन में है। इसका प्राइस आपको 36 पड़ेगा, 36,000। तो आपने सुन लिया होगा कि इसका प्राइस जो आपका 36,000 पड़ जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार कम हो जाएगा। और जो अगर अपने नाम पे अगर ट्रांसफर करके देते तो उसका कोई चार्जेस वगैरह? चार्ज 2500 कोई भी गाड़ी लीजिएगा नाम ट्रांसफर। और किसी इंश्योरेंस अगर फेल है तो इंश्योरेंस उनको कराना पड़ेगा, क्योंकि बिना इंश्योरेंस का ट्रांसफर नहीं होगा। तो ट्रांसफर के लिए आपको वो मिल जाएगा आपको। हाँ, तो ट्रांसफर के लिए आपको 2500 एक्स्ट्रा पड़ेगा, मतलब बाइक का जितना भी प्राइस है उसके बाद एक्स्ट्रा आपको 2500 देना पड़ेगा ट्रांसफर के लिए। ये हीरो का डिस्टिनी है, ये 2019 मॉडल है। 2019 मॉडल है। और इसका कितना किलोमीटर चला हुआ है? चला हुआ 14,000 किलोमीटर। 14,000 किलोमीटर। और प्राइस का बात करें तो? प्राइस इसका 48 पड़ेगा, 48,000। तो ये जो हीरो का डेस्टिनिटी देख रहे हैं आप, ये 14,000 किलोमीटर चला हुआ है। और प्राइस का बात करें तो ये आपको 45,000 रुपये पड़ जाएगा। बाकी टायर वायर सारा एकदम सही लग रहा है, आप देख सकते हो गाड़ी कंडीशन में। हल्का बहुत थोड़ा बहुत स्क्रैच होगा, इधर दिखा दो, हल्का बहुत थोड़ा आपको स्क्रैच दिख रहा होगा, बट चलता है अपना सेकेंड हैंड में। और बाकी अब ये बाइक स्कूटी पे बात करते हैं भैया। एविएटर है, होंडा एविएटर है। अच्छा, अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है। इसका आपको 32 पड़ेगा, 2014 मॉडल। कितना किलोमीटर चला हुआ है ये? चला हुआ 20,000 किलोमीटर। 20,000 किलोमीटर है, 2014 का मॉडल है ना। प्राइस की बात करें तो 32 पड़ेगा। तो ये स्कूटी जो देख रहे हैं आप, इसका प्राइस आपको 32,000 पड़ जाएगा। बाकी ये कितना किलोमीटर बोले चला हुआ? 20,000 किलोमीटर चला हुआ है। तो अगर आप इसको भी लेना चाहते हो तो देख सकते हो, गाड़ी अच्छा कंडीशन में लग रहा है। ये 2019 मॉडल है, यामाहा का फसिनो है। तो जैसे कि ये बाइक स्कूटी देख रहे हैं आप, ये यामाहा का फेसिनो है। और कितना किलोमीटर चला हुआ है? 9,000 किलोमीटर। ये 9,000 किलोमीटर चला हुआ है। और प्राइस का बात करें तो? प्राइस 48 पड़ेगा, 48। तो इसका जो प्राइस का बात करें तो इसका आपको प्राइस 48,000 पड़ जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट हो जाएगा। बाकी अब प्लीजर पे बात करते हैं भैया, ये कौन सा मॉडल है? ये 2013 मॉडल है। 2013 मॉडल, इसका प्राइस का बात करें तो? 18,000 पड़ेगा। और कितना किलोमीटर चला हुआ है? चला हुआ 26,000 किलोमीटर। तो जैसे कि ये जो प्लीजर देख रहे हैं, ये आपको 28,000 पड़ जाएगा। और 26,000, 18,000। अच्छा, प्राइस 18,000 है। और बाकी कितना किलोमीटर चला हुआ है बोले? 26,000 किलोमीटर चला हुआ है। तो इसका टायर वगैरह सारा कुछ देख सकते हो। टायर मुझे जहाँ तक लगता है आगे वाला जो है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, बाकी सही है। और बस अभी इतना ही स्टॉक पर जी, अभी इतना ही। अगर डीओ को लेना चाहे तो, क्योंकि डीओ का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, डीओ को आपको एक सप्ताह पहले कॉल करना होगा, उसके लिए हम जुगाड़ लगा देंगे। तो अगर आप कोई भी स्कूटी लेना चाहते हैं, अगर यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं मिलता है, तो आप एक बार एक हफ्ता पहले कॉल कर लेना, उसके बाद जो यहाँ के ओनर है वो कुछ ना कुछ आपको उपाय कर देंगे। ठीक है, ओके गाइस। तो अभी मतलब सारा कुछ यहाँ का दिखा दिए, बात हो गया। अब भैया से पूछते कि इनका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस कहाँ पे है बता दीजिए भैया कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर मेरा 9507502393। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कॉन्टेक्ट नंबर, और एड्रेस का एक बार बता दीजिएगा। एड्रेस आया बूटी मोड़, गुमला मार्केट, यहाँ पे बस उतरता है वहीं पे। तो बस स्टैंड थोड़ा सा आगे, बस स्टैंड के थोड़ा सा आगे आप आ जाइएगा, आपको विलेज डीलर मिल जाएगा, स्कूटी बाहर में लगा हुआ होगा। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने सारा कुछ दिखा दिया आपको कि यहाँ पे कौन कौन सा स्कूटी है, कितना तक का कम प्राइस का है, हाईएस्ट प्राइस कितना है। अगर आप लेना चाहते हो तो एक बार यहाँ का डिस्क्रिप्शन नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, और स्क्रीन पे भी आपको आ रहा होगा। तो आप एक बार देख लेना कि कौन सा आपको स्कूटी बाय करना है, कितना किलोमीटर चला हुआ है, कहाँ मतलब कौन सा मॉडल है, सारा कुछ एक बार चेक कर लेना, उसके बाद परचेस करना। और बाकी मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।